बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल्टी नेटवर्क में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी रहें अपने प्यारों के साथ खुश रहें। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं मेलसी साइफन पे। आपको बताएंगे, बेसिकली ये एक नहर है जो कि दरियाए सतलुज गुजर रहा है और ये नहर उस दरिया के नीचे से गुजर रही है। वाकई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफी लोग ये जान के हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक साइड पे दरिया ऊपर से गुजर रहा है जबकि उस दरिया के नीचे से ये नहर गुजर रही है। और कुछ लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि अगर ऐसा है तो इनका पानी मिक्स क्यों नहीं होता। तो चलें, आज की वीडियो में हम आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से नहर का पानी गुजर रहा है और किस तरह से जो है ना आपको दिखाएंगे सतलुज का पानी। बेसिकली तो दरिया सतलुज खुश्क हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि कभी ऐसा होता है कि इंडिया अगर पानी छोड़ता है तो दरिया सतलुज जो है ना उसमें पानी आ जाता है, तो उसको हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में, बताएंगे और डिटेल में बताएंगे आपको। तो चलें हमारे साथ। अच्छा, तो ये वाला मंसूबा 1961 में स्टार्ट हुआ और 1964 में कंप्लीट हुआ। बेसिकली सदर अयूब के दौर में ये वाला मंसूबा कंप्लीट किया गया था। और आपको बताते चलें, ये चार बैरियर आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली चार ही टनल हैं यहाँ से जो नीचे से जाएंगी और फिर जो समंदर आपको दरियाए सतलुज आपको दिखाएंगे वो जब क्रॉस होगा फिर वही चार टनल खत्म होगी और फिर ऐसे ही नहर जो है ना आगे वहां से निकल जाएगी। अभी आपको बताते चलें, ये जो पानी जा रहा है ये टनल्स में जाएगा, यहाँ से इन चारों यहाँ पे नीचे चारों टनल्स हैं, टनल्स के थ्रू होता हुआ फिर जहाँ दरिया खत्म होगा फिर वहां से निकल आएगा और फिर ऐसे ही नहर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसके अलावा आपको ये बताएं कि ये मंसूबा बेसिकली 1961 से 64 में जब कंप्लीट हुआ तो बहुत से ममालिक के तआवुन से इसको कंप्लीट किया गया। और इसी तरह से अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत से बड़े जो इदारे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लाइक अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इस तरह से और भी बहुत इदारे हैं, तो वो भी डिटेल हम आपको चल के देंगे। जी, अपने व्यूवर्स को बताते चले, कैमरा मैन अगर यहाँ पे दिखाएं तो बेसिकली ये बोर्ड लगा हुआ है आपको, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि मेलसी साइफन 1961 से 1964 का प्रोजेक्ट था, 3 साल में कंप्लीट हुआ हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। सिंध तास मुआहदे के तहत ये नहर जो है ना बनाई गई और इसमें दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज थे जिन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम, और गैमन पाकिस्तान कंपनी है बेसिकली। इसके अलावा जो है ना वापडा का मेन जो है ना इसमें रोल है, वापडा वालों ने इसको कंप्लीट करवाया। तो ये इसकी डिटेल है मेलसी साइफन की। जी, तो नाजरीन यहाँ पे हमारे साथ करीम बख्श साहब मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि 40 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, तो चले इनसे पूछते हैं, जरा डिटेल लेते हैं। जी बताइएगा कि ये नहर जो है ना किस लिए बनाई गई, इसका पर्पज क्या है? बहावरपुर और जितमान ठीक है, वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो नहर है इसको इसलिए बनाया गया कि ये जो बहावलपुर, यजमान और ये आगे रहीमयार खां वाले एरियाज हैं उनको बेसिकली सैराब करने के लिए नहर बनाई गई है। तो अच्छा, ये बताएंगे कि अब ये पांचवे वाला क्यों बनाया गया, ये जो साइड बनी है ये पानी में इजाफा नहर में करके ना, क्या खैरपुर तो अब ये नहर आज चोरी अच्छा ठीक है, वो बता रहे हैं कि अभी आगे मजीद नहरें बनाई जा रही हैं और जब जारी बात है नहरें ज्यादा बनेंगी तो फिर यहाँ से पानी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये जो है ना वो पांचवा जो सेक्शन है ये बनाया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले ये चार सेक्शन थे और ये पानी आगे जाता था, मगर अभी 2020 में ये पांचवा सेक्शन बनाया गया। अगर कैमरा मैन दिखाएं, इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो पानी की मिकदार है उसको बढ़ाया जा सके, और वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि इन फ्यूचर आगे फर्दर नहरें बनाई जा रही है, नई नहरें, जब वो नहरें बनेगी तो जाहिर बात है पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ऑलरेडी ये काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आपको बताया था कि चार बैरियर पहले बन चुके थे, वो ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन अभी 2020 में जो है ना पांचवा जो है बैरियर बनाया गया, पांचवी टनल बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि अलग से जो है ना अभी 2020 में कंप्लीट हुई है और ये भी सर्विस में है। इसको बनाने का पर्पज ये था कि इन फ्यूचर आगे जो डाउन स्ट्रीम है उस पर बहुत सी नहरें और बनाई जा रही हैं, तो जाहिर बात है कि पानी की डिमांड बढ़ेगी, तो ये कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट और जब आगे नहरें बढ़ जाएंगी, ज्यादा नहरें बनेंगी आगे डाउन स्ट्रीम पे और वहां से पानी की जब ज्यादा जरूरत होगी तो ये बेसिकली पानी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पांचवा बैरियर बनाया गया, पांचवी टनल बनाई गई है और ये भी अभी अब सर्विस में है।
लगी। तो नाजरीन एक चीज और इम्पोर्टेंट बताते चलें, अक्सर यूट्यूबर्स को देखा है कि वो यहाँ पे वीडियो आगे बनाते हैं तो वो बोलते हैं कि जी हेड साइफन, बेसिकली हेड साइफन नहीं है, इसको मेलसी साइफन बोलते हैं। इसमें यही है कि पानी को टनल में गिराया जाता है, जब टनल में गिराया जाता है उसके बाद जब टनल खत्म होती है तो पानी क्योंकि अपने लेवल को मेंटेन रखता है तो जाहिर बात है फिर दूसरी साइड से पानी अपने लेवल को मेंटेन करते हुए निकल जाता है और इस तरह से पानी का मुसलसल फ्लो रहता है। जबकि हेड की अगर बात की जाए तो हेड और चीज होती है, लाइक हेड इस्लाम की बात करें या हेड सलमान की, तो उसमें यह होता है कि पानी को रोका जाता है, वहां पे आगे हेड बनाया जाता है, पानी को रोक के फिर वहां से नहरें निकाली जाती हैं। जी नाज़रीन, तो अभी ये हम टॉप लेवल पे मौजूद हैं, जैसा कि आपको बताया था ये पानी आ रहा है और ये आके टनल्स में गिर रहा है, और आपको बताया था टनल्स अंडरग्राउंड हैं। उसके बाद कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो वो सामने जो पानी नज़र आ रहा है वो बेसिकली दरिया सतलुज का है, और ये टनल जो है ये जो पुल है ब्रिज है इसके नीचे से जा रही हैं और दूसरी साइड से चल के दिखाते हैं, वहाँ से फिर नहर की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। जी तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये बैरियर जो आपको दिखाए थे ये वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब ये जहाँ पे हम चल रहे हैं बेसिकली ये जो दरिया सतलुज का ब्रिज है इसके नीचे नीचे से टनल्स होके जा रही हैं, और ये जो आपको राइट और लेफ्ट साइड पे पानी नज़र आ रहा है ये बेसिकली दरिया सतलुज का पानी है। यहाँ पानी का फ्लो चल रहा है दरिया सतलुज का, और ये जो ब्रिज है जिस पर हम चल रहे हैं इसके नीचे से जो है ना टनल्स जा रही हैं, और जब ये ब्रिज ख़त्म होगा तो क्योंकि दरिया सतलुज कंप्लीट हो चुका होगा, क्रॉस कर चुके होंगे, तो फिर दूसरी साइड से वो जो टनल्स हैं वहाँ से पानी निकलेगा और फिर से दोबारा वो नहर अपनी वही शक्ल अख्तियार कर लेगी और फिर फर्दर वो जो अपने आगे इलाके हैं उनकी तरफ जाती है। तो ये अभी हम लोग ये जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली इस ब्रिज के नीचे नीचे ही जो है ना वो टनल्स हैं। अभी ब्रिज जो है ना ये ख़त्म होने वाली है, तो जैसे ही ब्रिज ख़त्म होगी तो फिर से आपको दूसरी एंड पे चल के दिखाते हैं कि वहीं से पानी फिर दोबारा से निकल आएगा और इस तरह से नहर जो है ना क्रॉस कर रही है दरिया सतलुज को टनल के ज़रिए। जी नाज़रीन, तो अभी हम दूसरे एंड पे आ चुके हैं, बेसिकली उस साइड पे हमने आपको दिखाया था बैरियर्स दिखाए थे और आपको बताया था कि ये जो ब्रिज है इसके नीचे से टनल्स गुजर रही हैं और दूसरी एंड पे टनल्स ख़त्म होंगी जब, तो फिर दोबारा से नहर अपनी शक्ल अख्तियार कर लेगी। तो ये सामने देखे वो बैरियर आपको नज़र आ रहे हैं जो आपको दिखाए थे, वहाँ से टनल्स में जाते हैं और ये जो ब्रिज है इसके नीचे ये सारी टनल्स आ रही हैं, चारों पाँचों टनल्स। उसके बाद ये ब्रिज जब जैसे ही ख़त्म होगी तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो है ना वो दोबारा पानी निकल आएगा और नहर जो है आगे कंटिन्यू करेगी। तो अभी ये देख सकते हैं आप सामने, ये बेसिकली वो जो चार बैरियर्स आपको दिखाए थे एक साइड से, ये वो चार बैरियर्स वो टनल में आता है पानी और फिर टनल जब ख़त्म होते हैं ये दूसरे एंड पे ये पानी उन टनल से निकल के नहर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसी तरह से पाँचवा बैरियर जो आपको बताया, जो पाँचवीं टनल नहीं बनाई गई अभी 2020 में, वो भी इसके साथ है बिल्कुल। कैमरा मैन आपको अगर दिखाएँगे ये देखें, ये वो वाली टनल है पाँचवीं, तो ये भी मिल के उसमें फिर नहर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और ये देखें ये क्लोज व्यू है, जो पांचवी टनल अलग से बनाई गई है उससे ये पानी निकल रहा है और इस तरह से ये मिलके, जैसे स्टार्ट में हमने आपको दिखाया था कि पांचों चार बैरियर एक साइड पे और पांचवा बैरियर अलग बनाया गया, इसी तरह से अभी आउटलेट पे भी देख सकते हैं वो एक साइड से चार बैरियर का पानी निकल रहा है, दूसरी साइड से वो जो पाँचवा बैरियर है उसका पानी निकल के मिल गया और एक बड़ी नहर जो कि आगे फिर कंटिन्यू है।